हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज आप लोग के लिए क्रॉचेट का एक बहुत ही क्यूट सा पैटर्न आया है। ये आप देख सकते हैं। एक्चुअली इसे एज ए मिनी पर्स यूज़ कर सकते हैं फॉर द कॉइन्स एंड मनी। बहुत यूज़फुल रहता है। मैं किस वे में यूज़ करी मैं आप लोग को दिखाती हूँ। हम इसमें अपने एयरफोन्स रख सकते हैं। मैं आप लोग को रख के भी दिखा देती हूँ। ऐसे एक मिनी सा बटन आप इस पर अटैच कर लें, इसे ऐसे हैंग कर लें। इसके अंदर आप अपने कोई भी क्यूट से प्रोजेक्ट्स हो इसमें आप रख सकते हैं, लाइक योर लिप बाम, कोई मिनी क्रीम बॉक्स, एनीथिंग। किसी को गिफ्ट देना हो कुछ गिफ्ट पैकिंग भी आप इसमें रख सकते हैं। इसके अंदर हम अपने इसमें देखिए ये ब्लूटूथ भी रख लेंगे। एक्चुअली आप लोग देख रहे होंगे कि ये भी एक क्रोशे का पैटर्न है। यस, ये भी हमने एक रेडी किया है। ये हमारा इसका कवर है एंड इसकी वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, तो मैं उसके लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप लोग चाहें तो इस पैटर्न को भी चेक कर सकते हैं। मैं आप लोग को इसमें रख के दिखाती हूँ इसे। बहुत ही इजीली रख जाता है। ये भी प्रॉपर हमारा इसमें सेट हो गया। तो आप लोग किसी भी वे में चाहे तो इसे यूज़ कर सकते हैं। आज मैं आप लोग को ये पैटर्न बनाना बताऊंगी। देखिए, ये पूरा पैटर्न हमने रेडी किया है कॉटन थ्रेड से। आप देख सकते हैं ये हमने पूरा कॉटन थ्रेड से वर्क किया। ये हमने इसमें आईज यूज़ की है। आईज अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप ब्लैक थ्रेड से भी आईज का वर्क कर सकते हैं। ये हमने एक क्यूट सा पर्ल ये ऐड किया हुआ है। आप कोई भी पर्ल बटन जो ऐड करना चाहें ये ऑप्शनल है। आप नहीं करना चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने थोड़ी सी इसमें स्टफिंग का यूज़ किया हुआ है, फाइबर की स्टफिंग। बहुत ही थोड़ी सी चीज़ों में बहुत ही क्यूट सा पैटर्न ये रेडी हो जाता है। देखिए, इसके लिए जो हम थ्रेड यूज़ कर रहे हैं ये ऑफ वाइट शेड, हम जैसे हमने वाइट में वर्क किया था ये ऑफ वाइट हम ले रहे हैं। एंड ये हम इसके पीक पॉइंट के लिए ले रहे हैं एंड ये क्यूट से लेग्स पॉइंट के लिए। देखिए, ये पैटर्न जो हमने वर्क किया था ये हमने वर्क किया था 2.5 mm हुक साइज से। आज मैं आप लोग को जो पैटर्न बताऊंगी ये मैं 3 mm हुक साइज से वर्क करूंगी। दोनों हुक साइज़ का मैं आप लोग को इसलिए दिखा रही हूँ कि एक हुक साइज़ का हमारा रेडी है एंड जब हम 3 mm का रेडी करेंगे तो थोड़ा सा साइज़ डिफरेंस होगा इसका, तो इससे आप लोग को साइज़ का भी आइडिया लग जाएगा कि हुक साइज़ चेंज करने पर आपका कितना साइज़ डिफरेंस अप्रॉक्सीमेटली आ जाता है। एंड वीडियो के एंड में मैं आप लोग को इसका मेजरमेंट करके भी दिखा दूंगी कि दोनों हुक साइज़ चेंज करने पर पैटर्न में कितने इंचेस का या कितने साइज़ में उसका डिफरेंस आता है। थ्रेड हम सेम यूज़ कर रहे हैं, ये भी हमारा 4-ply कॉटन थ्रेड है एंड जो आज हम वर्क करने जा रहे हैं ये भी हमारा 4-ply कॉटन थ्रेड ही है। तो फिर अब पैटर्न को स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। देखिए, स्टार्टिंग हम एक नॉर्मल स्लिप नॉट से कर रहे हैं, देन इसमें हम चेन वर्क करेंगे। ये हमने टोटल 11 अपने चेन्स वर्क की हैं प्लस 1 chain लेंगे हम, तो टोटल हमारे 12 chains हो गए। ये 1 chain हमारी टर्निंग चेन होगी। यहाँ पे देखिए, अब इसको इस तरीके से हम टर्न कर लेंगे एंड ये जो इसका बैक साइड वाला लूप रहता है ये आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए इस लूप पे हमें वर्क करना होगा सिंगल क्रोशिया का। 1, 2, इसी तरीके से एवरी स्टिच पे हमें 1 single crochet का वर्क लेना होगा बट ओनली इन दिस बैक लूप।
आप ये देख सकते हैं कि इधर साइड देखिए हमारे इस तरीके से ब्रेड टाइप का आता है ये स्टिचेस, चेंज हमारी रहती हैं। जब इसको टर्न करेंगे तो ये वाला लूप जो बैक साइड पर रहता है इसी पर हमें वर्क करना है। इसको कंटिन्यू कर लेते हैं विद द लास्ट स्टिच। देखिए हमने इसको एंड तक वर्क किया, टोटल हमने ये 11 सिंगल क्रोशिया का वर्क लिया है। एंड ये जो हमारी लास्ट स्टिच है ये हमारी 11th स्टिच, 11th सिंगल क्रोशिया की स्टिच है, इसी पर हमें टोटल 3 सिंगल क्रोशिया का वर्क लेना होगा। अब हम इधर से देखिए अब हमें टर्न करके इस साइड पे वर्क करना होगा। एवरी स्टिच पे 1 सिंगल क्रोशिया का वर्क लेना होगा। कि स्टिचेस ये थोड़ी सी टाइट हो जाती हैं। इसी तरीके से एवरी स्टिच पे 1 सिंगल क्रोशिया लेते हुए यहाँ तक वर्क कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ तक हमने इसे वर्क किया है। एंड ये हमारी जो लास्ट स्टिच है यहाँ पे, जहाँ पे हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया का वर्क लिया था, इसी पर हम इस साइड से भी 2 सिंगल क्रोशिया का वर्क लेंगे। वन एंड देन टू, यहाँ से तुम्हारी फर्स्ट सिंगल क्रोशिया है, इस पर हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं विद द स्लिप स्टिच। थोड़ा सा पुल कर ले इसको शॉर्ट करने के लिए। अब यहाँ पे अपनी स्टिचेस हम देख सकते हैं, ये 9 हमारे इधर सिंगल क्रोशिया हैं, 9 इधर हैं, टोटल 18 हो गए। 3 हमारे इस साइड पे हैं, 3 हमारे इस साइड पे हैं, 3 6 हो गए। 18 + 6 हमारे 24 सिंगल क्रोशिया का वर्क हो गया है। ये इसको स्लाइटली पुल कर लें इसे सेट करने के लिए। अब यहाँ से हम अपनी नेक्स्ट रो स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट रो के लिए हमें देखिए 1 चेन लेनी होगी। जो हमारी ये फर्स्ट स्टिच है, जो जॉइनिंग स्टिच हमारी है, इस पर हम लेंगे 1 सिंगल क्रोशिया एंड 1 मोर सिंगल क्रोशिया इन द सेम स्टिच, मीन्स 2 सिंगल क्रोशिया इन द 1 स्टिच। अब यहाँ से हमें एवरी स्टिच पे 1 सिंगल क्रोशिया का वर्क लेना होगा टिल द 9th सिंगल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, 9 सिंगल क्रोशिया का वर्क हमने लिया है। अब ये हमारे यहाँ की जो कॉर्नर की 3 स्टिचेस हैं, इसमें एवरी स्टिच पे हमें 2 सिंगल क्रोशिया का वर्क लेना होगा। अगेन 2 एंड अगेन 1 मोर टाइम 2 सिंगल क्रोशिया। यहाँ से अगेन हमें देखिए 9 सिंगल क्रोशिया का वर्क लेना होगा। एवरी स्टिच पे 1 सिंगल क्रोशिया। देखिए हमने ये 9 सिंगल क्रोशिया का वर्क ले लिया। एंड में यहाँ पे हमारे पास देखिए 2 स्टिचेस हैं अभी, इस पर हमें 2 सिंगल क्रोशिया का वर्क लेना होगा। फर्स्ट स्टिच पर हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेते हैं, 1 चेन ले लेते हैं फॉर द नेक्स्ट रो। देखिए इस रो में हमारे पास ये 3 की इधर इंक्रीजिंग हुई है, 3 की इधर इंक्रीजिंग हुई है, टोटल हमारे 6 स्टिचेस की इंक्रीजिंग हुई है इस रो में। नेक्स्ट रो अपनी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टिच पर जहाँ पे हमारी ज्वाइनिंग स्टिच है 1 सिंगल क्रोशिया लेंगे एंड नेक्स्ट पे हम लेंगे 2 सिंगल क्रोशिया इन द सेम स्टिच। यहाँ से हमें देखिए 9 सिंगल क्रोशिया का वर्क लेना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। यहाँ पे देखिए हमारी जो 6 स्टिचेस हैं कॉर्नर वाली हमारी रहती हैं, इस पर हमें देखिए लेना होगा। फर्स्ट पे हम लेंगे 1 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट पे 2 सिंगल क्रोशिया इन द सेम स्टिच, अगेन 1 सिंगल क्रोशिया, इन द नेक्स्ट वन 2 सिंगल क्रोशिया इन द सेम स्टिच, नेक्स्ट 1 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट वन 2
टू सिंगल क्रोशिया इन द सेम स्टिच। अब यहाँ से देखिए हमें वन सिंगल क्रोशिया इन ईच स्टिच लेना होगा टिल द नाइन्थ सिंगल क्रोशिया। ये नाइन्थ सिंगल क्रोशिया हमारे कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ पे हमारे पास फोर स्टिचेस हैं जिसपे हमें वन टू का पैटर्न रिपीट करना होगा जैसे हमने इस साइड पे किया था। देखिए वन सिंगल क्रोशिया, द नेक्स्ट टू सिंगल क्रोशिया इन द सेम स्टिच, नेक्स्ट वन सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट वन टू सिंगल क्रोशिया इन द सेम स्टिच। अब यहाँ से हमारे जो फर्स्ट स्टिच है इस पर हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेते हैं। देखिए इस रो के एंड में टोटल हमारे पास अब 36 सिंगल क्रोशिया का वर्क हो गया है। ये हमारा इसका पैटर्न का हमारे बेस पार्ट रेडी हो गया है। अगर आप साइज़ को इंक्रीज करना चाहें तो आप इसमें एक रो और इंक्रीज कर सकते हैं 112 के पैटर्न की। देखिए हम अपने यहाँ पे अब इंक्रीजिंग स्टॉप कर रहे हैं। नेक्स्ट रो के लिए हम वन चेन ले रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये लूप्स टू लूप्स हैं, हमें इसके ओनली बैक लूप पर वर्क करना होगा। ये बैक लूप है हमारा। एवरी स्टिच पे वन सिंगल क्रोशिया का वर्क हमें लेना होगा। टोटल हमारी ये 36 सिंगल क्रोशिया का वर्क होगा। सो लेट्स कंटिन्यू इट। ठीक है, ये रो हमने अपनी कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट रो के लिए हमने वन चेन लिया है। ठीक है, इस रो के बाद से अब हमें एवरी स्टिच पे वन सिंगल क्रोशिया का वर्क लेते हुए ही वर्क करना होगा। एंड आप इसकी जितनी हाइट रखना चाहें, जैसे आप इसे देख सकते हैं, ये हमारा बेस का वर्क रेडी हो गया है। ये वो रो है हमारी जो हमने बैक लूप पे वर्क की है। अब आप इसकी जितनी हाइट रखना चाहें उतनी रोज आप इसमें वर्क कर सकते हैं। अगर आप इससे और ज़्यादा इंक्रीज़ करना चाहते हैं हाइट को, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी रोज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। हम आपको दिखा देते हैं कि हमने इसमें कितनी रोज़ वर्क की है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 टोटल हमने ये 12 रोज वर्क की हुई है। जैसे हम इसमें वन रो वर्क कर चुके हैं तो 11 रोज हम और वर्क कर लेते हैं। अगर आप रोज को इंक्रीज करना चाहें तो अपने साइज के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। ये देखिए हमने इसकी ये टोटल यहाँ से लेकर अगर हम काउंट करें तो 16 रोज हमने वर्क की हुई है। और अगर हम यहाँ पे बैक लूप से देखेंगे तो यहाँ हमने टोटल इसकी 13 रोज वर्क की है। मैं आप लोग को रोज़ काउंट करके भी दिखा देती हूँ कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। देखिए इस पैटर्न में हमने 15 रोज़ यहाँ पे वर्क की थी, इसमें हमने वन रो को इंक्रीज़ किया हुआ है। आप जितनी हाइट रखना चाहें उसके अकॉर्डिंग आप रोज़ को डिक्रीज या इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब इस थ्रेड को देखिए हमने कट कर लिया है, इसको हम ऐसे निडल पे ले लेते हैं। यहाँ से देखिए इस थ्रेड को अब हम जस्ट अ मिनट इसको देखिए पहले यहाँ ओपन कर देते हैं। एक्चुअली हमने स्लिप स्टिच किया था तो यहाँ पे हमें स्लिप स्टिच नहीं करना होगा। देखिए ऐसे हमने किया, अगेन हम इसको निडल पे ले लेते हैं। यहाँ से देखिए जो हमारी ये फर्स्ट स्टिच है इसको हम स्किप कर देंगे। जो हमारी सेकंड स्टिच है इस पर हम लेकर के एंड जहाँ से हमने देखिए वर्क किया था इस वाली स्टिच पे देखिए। देखिए आप एक नॉर्मल स्लिप स्टिच करते हैं तो स्लिप स्टिच में थोड़ा सा वो स्टिच दिखती है, मीन्स एक जॉइंट टाइप का दिखता है वो। तो अगर आप इस तरीके से वर्क करते हैं क्लोजिंग का तो इससे बहुत ही फिनिश लुक आता है ये। ये देखिए अब इसको देखिए इनर साइड पे ऐसे हम थ्रेड को सिक्योर कर लेते हैं। ठीक है, हमने थ्रेड को सिक्योर करके इसे हाफ हाफ में डिवाइड कर लिया है। जैसे टोटल हमारे ये 36 स्टिचेस थे तो हमने 17 इधर है, 17 इधर है, 1-1 पे हमने ये स्लिप स्टिच किया हुआ है। अब यहाँ से हमें देखिए इसी थ्रेड को अगेन ज्वाइन करना होगा।
यहाँ पे जो हमने स्लिप स्टिच मार्कर किया हुआ है इसकी एक स्टिच छोड़ करके इस वाले स्टिच पे यहाँ पे ऐसे थ्रेड को ज्वाइन कर लें। देन अगेन इस पे हम देखिए सेम स्टिच पर ही सिंगल क्रोशिया लेंगे, नेक्स्ट स्टिच सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट वन अगेन सिंगल क्रोशिया। देखिए टोटल हमें ये 5 सिंगल क्रोशिया का वर्क लेना होगा, 3 हमारे वे के वर्क हो गया, 4 एंड देन 5, 5 सिंगल क्रोशिया का देखिए हमने वर्क किया। यहाँ से देखिए हम इसको ऐसे टर्न, यहाँ पे हम पहले 3 की चेन लेंगे, 1, 2 एंड 3, इसको टर्न करके जो हमारी ये फर्स्ट स्टिच है, फर्स्ट सिंगल क्रोशिया, इस पर हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। देन 1 चेन लेंगे, इसको ऐसे टर्न कर लेंगे एंड यहाँ पे जब हमारी आप देख सकते हैं जो 5 हमने स्टिचेस वर्क की हैं इस पर हमें 1 सिंगल क्रोशिया लेना होगा कि 1, 2, 3, 4 एंड लास्ट वन इज 5। यहाँ से देखिए अब हमें जो हमने 3 के चेन वर्क की है इस पर हम लेंगे सिंगल क्रोशिया, 1, 2 एंड 3। अब यहाँ से तुम्हारी ये फर्स्ट स्टिच है इस पर हम स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर लेंगे। वन चेन लेंगे फॉर द नेक्स्ट रो, सेम स्टिच पर ही 1 सिंगल क्रोशिया। इस रो में देखिए हमें एवरी स्टिच पे 1 सिंगल क्रोशिया लेना होगा। देखिए 2 हमारे वर्क हो गए, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सिंगल क्रोशिया हमारे वर्क हो गया। फर्स्ट स्टिच पर हम अपनी स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। देखिए अब हमें इसी तरीके से ही 8 सिंगल क्रोशिया का वर्क करते हुए राउंड बाय राउंड वर्क करते हुए टोटल हमें 20 रोज़ वर्क करनी होगी। इससे अभी हम 3 रोज़ हम वर्क कर चुके हैं, हमें इसकी टोटल 20 रोज़ वर्क करनी है। ये देखिए हमने इसकी 20 रोज़ टोटल कंप्लीट कर ली है। मैं आप लोगों को रोज़ काउंट करके दिखाती हूँ कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये टोटल 20 रोज़ हमारी हो गई है। आप इसको इस तरीके से रख के देख सकते हैं कि जब आप इसको ऐसे करके रखें तो यहाँ पे आपकी 3 to 4 या 5 रोज़ तक इधर ऐसे आनी चाहिए, एक्स्ट्रा आनी चाहिए। उसके अकॉर्डिंग आप अपनी रोज़ को और इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। नेक्स्ट रो के लिए हम 1 चेन लेंगे, इस रो में हमें इंक्रीजिंग करनी होगी। ये हमारी जो फर्स्ट स्टिच है इस पर हम सेम स्टिच पर ही 3 सिंगल क्रोशिया का वर्क लेंगे। नेक्स्ट स्टिच पे 2 सिंगल क्रोशिया इन द सेम स्टिच। देखिए यहाँ पे हमें एवरी स्टिच पे अब 2 सिंगल क्रोशिया का वर्क लेना होगा। देखिए ये हमारी है, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे हम पहले काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। देखिए यहाँ पे अभी हमारे पास 2 स्टिचेस हैं, इसी स्टिच पर अभी हम 2 सिंगल क्रोशिया इन द सेम स्टिच लेंगे।
एंड जो हमारी वेरी लास्ट वन स्टिच है इस पर हम 3 सिंगल क्रोशे एंड सेम स्टिच लेंगे। यहाँ से देखिए फर्स्ट स्टिच पर हम अपनी स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर लेंगे। नेक्स्ट रो के लिए 1 चेन ले लेते हैं। देखिए इस रो में हमारे पास टोटल 18 सिंगल क्रोशिया का वर्क हुआ है। फर्स्ट एंड लास्ट स्टिच पर हमने 3 सिंगल क्रोशिया का वर्क लिया है एंड सेंटर की सारी स्टिचेस पर हमने 2 सिंगल क्रोशिया इन ईच स्टिच लिया है। नेक्स्ट रो के लिए हम फर्स्ट स्टिच पर सिंगल क्रोशिया, टोटल 5 सिंगल क्रोशिया का वर्क करते हैं। 2, 3, 4 एंड 5। नेक्स्ट की 3 स्टिचेस पे हमें 2 सिंगल क्रोशिया इन सेम स्टिच वर्क करना होगा। यहाँ से हमारी जितनी लेफ्ट स्टिचेस हैं सब पे हमें 1 सिंगल क्रोशिया का वर्क लेना होगा। इसको कंटिन्यू कर लें। देखिए ये रो हमारी वर्क हो गई है। इस रो के एंड में टोटल हमारे पास 21 सिंगल क्रोशिया का वर्क हुआ है। नेक्स्ट रो के लिए हम 1 चेन ले रहे हैं। फर्स्ट स्टिच पर हम अपनी सिंगल क्रोशिया लेंगे। नेक्स्ट स्टिच पर देखिए हमें डिक्रीजिंग करनी होगी, इनविजिबल डिक्रीजिंग ओनली इन द फ्रंट लूप। ये हमारे पास टोटल 3 लूप्स हो गए हैं। नेक्स्ट के 2 स्टिचेस पे 1 सिंगल क्रोशिया का वर्क लेंगे। नेक्स्ट स्टिच डिक्रीजिंग, अगेन नेक्स्ट के 2 स्टिचेस पे 1 सिंगल क्रोशिया एंड नेक्स्ट स्टिच डिक्रीजिंग। इसी तरीके से एवरी 2 सिंगल क्रोशिया के पास से हमें 1 की इनविजिबल डिक्रीजिंग करनी होगी। ठीक है, ये रो भी हमारी वर्क हो गई है। इस रो के एंड में टोटल हमारे पास 16 सिंगल क्रोशिया का वर्क है। नेक्स्ट रो के लिए 1 चेन, सेम स्टिच पर ही 1 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट पे हम डिक्रीजिंग करेंगे। इस रो में देखिए हमें एवरी 1 सिंगल क्रोशिया के पास से 1 की डिक्रीजिंग करनी होगी। इसी तरीके से इसे कंटिन्यू कर लेते हैं। ये देखिए ये रो हमने अपनी वर्क कर ली है। इस रो के एंड में टोटल हमारे पास 11 सिंगल क्रोशिया का वर्क हुआ है। यहाँ से हम इस थ्रेड को कट कर देंगे। यहाँ पे हमें अपना ये वाला थ्रेड इसकी जगह पे यूज़ करना होगा। इस थ्रेड को ऐसे इनर साइड कर देते हैं एंड यहाँ पर अब हम आइस का पार्ट अटैच कर लेते हैं, प्लस हमें जो स्टफिंग करनी है उसको भी हम स्टफिंग कर लेते हैं इसमें। देखिए इसके लिए हम ये वाली आइस यूज़ कर रहे हैं एंड ये इसका सेफ्टी। देखिए अगर आपके पास आइस अवेलेबल ना हो तो आप ब्लैक थ्रेड से भी आइस का वर्क कर सकते हैं। देखिए पहले इसको इस तरीके से सीधा करके देख लें, क्योंकि हमें ऐसे इसको अटैच करना होगा। इसलिए ये ध्यान रखें कि आइस का फ्रंट कैसे लेना है। सेम वे में ही सेकंड आई को भी कर लेते हैं। ठीक है, हमने आईज इस पर अटैच कर दी है, इनर साइड पे हमने इस पर सेफ्टी भी कर दिया है। अब हम इसमें इस तरीके से फाइबर की स्टफिंग करेंगे। स्टफिंग हमें बहुत ज़्यादा नहीं करनी है।
एंड ये स्टफिंग का पॉइंट भी ऑप्शनल है, आप नहीं करना चाहते स्टफिंग तो आप ऐसे भी इसको स्टफिंग के पॉइंट को स्किप कर सकते हैं, बट स्टफिंग करने से जो इसके फेस का लुक होता है वो थोड़ा सा बल्की टाइप का आता है, वो बहुत अच्छा लगता है फेस का लुक। इस तरीके से अब हम अपना यहाँ पे नेक्स्ट कलर ज्वाइन करते हैं। ठीक है, यहाँ से भी अपना ये वाला कलर हम ज्वाइन करते हैं। हमारी वेरी फर्स्ट स्टिच है, इस पर हम लेंगे सिंगल क्रोशिया एंड यहाँ से हमें देखिए नेक्स्ट स्टिच से एवरी स्टिच पे हमें डिक्रीजिंग करनी होगी। फर्स्ट स्टिच पे हमने डिक्रीजिंग नहीं की है, ओनली नॉर्मल सिंगल क्रोशिया का वर्क लिया है। स्टफिंग के पार्ट पे वैसे फिंगर रख सकते हैं ताकि वो आपकी स्टिचेस में प्रॉब्लम ना करे। ये देखिए स्पॉट को इनसाइड कर दें इसे। यहाँ पे हम अपनी स्टिचेस भी काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। टोटल हमारे पास 6 स्टिचेस हैं एंड जो हमारी वेरी फर्स्ट स्टिच है इस पर हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेते हैं। 1 चेन लेंगे फॉर द नेक्स्ट रो, एवरी स्टिच पे 1 सिंगल क्रोशिया का वर्क लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 एंड लास्ट वन इज 6। अगेन देखिए हम स्लिप स्टिच यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे एंड 1 मोर रो वर्क करेंगे, 1 सिंगल क्रोशिया ईच स्टिच के। देखिए ये हमने अपना कंप्लीट कर लिया। यहाँ से हमें थोड़ा लॉन्ग थ्रेड लेके कट करना होगा, ये हमारी स्टिचिंग में यूज़ होगा। इसी थ्रेड से हमें यहाँ पे इसको स्टिच करना होगा। देखिए अब हम अपने इस लेग के पार्ट को वर्क करेंगे प्लस ये जो हमने यहाँ पे पल्स के लिए कॉर्ड यूज़ की है चेन वर्क इस पर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसके चेन वर्क कर लेते हैं। आप जिस साइड को फ्रंट साइड रखना चाहें वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, फ्रंट आप चाहे इधर या इधर किसी भी साइड को रख सकते हैं। यहाँ पे आपके जितनी स्टिचेस है उसका सेंटर पॉइंट ले लें। यहाँ पे हमारे पास हम काउंट कर लेते हैं स्टिचेस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 स्टिचेस हमारे पास। इसको हम हाफ में कर लेते हैं, 7 हो गई हमारी। ये हमारी सेंटर स्टिच है, इस पर हम वर्क करते हैं। इस साइड से हमें वर्क करना होगा। आप जो भी बटन वगैरह यूज कर रहे हैं उसमें उसके अकॉर्डिंग उसके साइज के अकॉर्डिंग आप चेन वर्क कर लें। यहाँ पे पहले हमने इसको थ्रेड को ज्वाइन किया है, यहाँ पे तब हम एक स्लिप स्टिच ले लेते हैं, टाइट कर लें इसको। यहाँ पे हम 8 चेन लेंगे, थोड़ा टाइट हैंड से चेन लें।
मे बी सेवन चेन हम ले रहे हैं, एंड सेम स्टिच पर ही हम इसको अगेन स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। इसको प्रॉपर टाइट कर लें एंड यहाँ से थ्रेड को कट करके इस थ्रेड को इनर साइड पे सिक्योर कर लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पे थ्रेड को प्रॉपर सिक्योर कर दिया है। अब हम इसके लेग के पार्ट को वर्क करेंगे। इस तरीके से एक स्लिप नॉट लेकर के 3 की चेन वर्क करें एंड यहाँ से तुम्हारी फर्स्ट चेन है, सॉरी ये 2 को स्किप करके तुम्हारी इधर से फर्स्ट वाली है इस पर हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। अगेन 3 की चेन इन द सेम स्टिच स्लिप स्टिच, अगेन 3 की चेन इन द सेम स्टिच स्लिप स्टिच। यहाँ से अब हम 3 की चेन लेंगे, थोड़ा सा लॉन्ग थ्रेड लेकर के हमें इसको कट कर देना है। एंड इसी सेम का ही हमें 2 पीस रेडी करना होगा। इसको किस तरीके से अटैच किया जाएगा ये मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। आप चाहें तो इसे नीडल की हेल्प से भी कर सकते हैं या कोई भी स्मॉल साइज का एक हुक ले लीजिए। यहाँ से जो हमारी देखिए स्टिच है, एक स्टिच को स्किप करके नेक्स्ट वाले पे हम ज्वाइन करते हैं। फ्रंट बैक आप यहाँ से देख सकते हैं इसका। यहाँ पे इसको नॉट दे दें। यहाँ पे आप चाहें तो थ्रेड पे थोड़ा सा फैब्रिक ग्लू भी कर सकते हैं या फिर थ्रेड्स को आप सिक्योर भी कर सकते हैं या वैसे ही अगर इसको छोड़ भी दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी सेम वे में ही सेकंड भी हम अपना अटैच कर लेते हैं। देखिए ये दोनों पार्ट को हमने ये अटैच कर दिया है। अब हमें इसको ज्वाइन करना होगा। इसके लिए हम इसके थ्रेड को देखिए इस तरीके से नीडल पर ले लिया है। इसी तरीके से देखिए इसको हमें इस पर अटैच करना होगा। इसको अटैच कर लेते हैं। ये देखिए हमने इसको स्टिच कर दिया है एंड यहाँ पे हमने एक ये मोती जैसे अटैच कर दिया है थ्रेड से, इसी सेम थ्रेड से ही। आप देख सकते हैं इनर साइड पे हमने प्रॉपर सिक्योर कर दिया है इसको। यहाँ से आप इजीली देखिए इसे क्लोज कर सकते हैं। देख सकते हैं कितना क्यूट सा पैटर्न है ये। अब हम आपको दोनों का मेज़रमेंट बता देते हैं। एक्चुअली ये थोड़ा सा स्ट्रेच भी हो चुका है क्योंकि हमने इसमें जैसे अपना एयरफोन वगैरह रखा है तो थोड़ा सा स्ट्रेच भी है ये। एंड ये भी जब यूज़ होगा प्रॉपर तो न्यू पीस कोई भी एंड यूज पीस में थोड़ा सा साइज़ डिफरेंस आ जाता है क्योंकि कॉटन थ्रेड है थोड़ा स्ट्रेच होता है। ये 3 inches है एंड अप्रॉक्सीमेटली 2.25। ये भी अप्रॉक्स सेम साइज़ आपको मिलेगा क्योंकि ये भी स्ट्रेच नहीं हुआ है बिल्कुल भी। बट जब आप
3 mm एंड 2.5 mm हुक साइज़ का यूज़ करेंगे तो उससे साइज़ में डिफरेंस आएगा ही। तो आप लोग को ये पैटर्न कैसा लगा है प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।